हेलो एंड वेलकम टू ओडिया ब्लॉग्स। और मैं सभी को बहुत थैंक्स करूंगी जो मुझे देखते हैं वीडियोस में और जो मुझे इतने प्यारे कमेंट्स भेजते हैं, मुझे लाइक करते हैं। मैं सभी को उन्हें थैंक्स करूंगी और स्पेशली आज मैं उन्हें थैंक्स करूंगी जो इन 7 दिनों में जो ओडिया बहनें मुझसे जुड़ी है, इतने सारे ओडिया बहनें जो मुझसे जुड़ गई है और इन 7 दिनों में वो मुझसे जुड़ गए हैं और इतने प्यारे कमेंट्स भेजते हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। मैं उन्हें स्पेशली धन्यवाद आज करूंगी और मैं सभी दर्शक लोग को मैं आज स्वागत करती हूँ इस वीडियो पे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अभी थोड़ा मंदिर जा रहे हैं और यहाँ कोटपेटा का पास, जो लोग बरहमपुर में रहते हैं वो समझ जाते होंगे, कोटपेटा का पास एक जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ मैं थोड़ा जाऊँगी और जाने का बाद फिर मैं वहाँ एक अटैच्ड एक छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क है और उस चिल्ड्रंस पार्क में एक पॉन्ड है और पॉन्ड में कमल खिला रहता है कभी कभी, तो शायद अभी कमल खिला हो, मैंने गया नहीं वहाँ कभी, तो शायद वहाँ अभी कमल खिला होगा तो मैं अभी जाके थोड़ा देखती हूँ, अगर कमल बमल कुछ होगा पॉन्ड में अच्छा लग रहा होगा तो मैं उसका एक क्लिपिंग्स ला के आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ा यही जो लोकल मार्केट है कुछ सब्जी वब्जी कुछ क्या भी अच्छा फ्रेश मिलेगा वो थोड़ा उठाऊँगी और उसके लिए मैंने थैली ले लिया है। मैं कुछ भी टच आज नहीं करूँगी, मैंने थैली ले लिया है, बस उन्हें थैली में बस डालने के लिए बोल दूंगी। और ये पाउच भी मैंने ले लिया है, कुछ अलग से टमाटर वमाटर होगा तो इसी को पाउच को दे देंगे, भर के वो दे देगा और डाल देगा ये बैग में, छूना नहीं पड़ेगा। और मास्क तो लेना ही लेना है और ये हो गया सैनिटाइज़र, मैं हाथ में लगा के जाऊँगी और फिर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये ले कर जाऊँगी कैश। तो ये सब हो गया, अभी उसके बाद आने के बाद मैं आज कुछ बनाऊंगी और उसके लिए अगर मैं कुछ नॉनवेज बनाती हूँ तो उसके लिए एक सीक्रेट मसाला भी दूंगी। नॉनवेज बना के मैं नहीं दिखाऊंगी, आप लोग सब बनाना जानते होंगे और बहुत अच्छा से बनाते होंगे, तो मैं एक सीक्रेट रेसिपी नहीं सीक्रेट मसाला उसके लिए आपको दूंगी। तो बस आज के लिए तो यही है, अभी हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं और ठीक है तो चलते हैं, थोड़ा हो आते हैं फिर आपसे मिलेंगे। कोटपेटा स्ट्रीट है और यहाँ अभी काफ़ी ट्रैफिक है, थोड़ा बिजी आवर है और हर तरह का व्हीकल यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि साइकिल हो, रिक्शा हो, बस हो और कार हो, ऑटो हो, ये सब तो सब इसी नैरो स्ट्रीट में चलते रहते हैं अपने हिसाब से। और अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अभी क्रॉसिंग आएगी सामने, मंदिर का सामने ही ट्रैफिक क्रॉसिंग है और वहाँ हम राइट टर्न लेंगे और मंदिर की ओर जाएंगे। मैं जिस पार्क के बारे में आपको बताई थी वो पार्क कोरोना की वजह से बंद है, इसीलिए मैं आज वो पार्क आपको दिखा नहीं पाऊँगी और मंदिर जैसे ही आता है वीडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है। तो थोड़ा सा आप स्ट्रीट व्यू ले लीजिए तब तक। दोनों तरफ मार्केट से भरा है अभी, बस ये कमापल्ली का स्ट्रीट्स है और यहाँ आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा, गाय बैल और सब मिल जाएगा देखने को। रोड काफ़ी बिजी है
और इस नैरो स्ट्रीट में तो हर तरह का व्हीकल जो है वो चलती रहती है। और अभी हम जा रहे हैं चिकन दुकान के ओर और वहाँ हम जाके आपको चिकन के बारे में कैसे वो लोग कटिंग करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते वो सब बताएंगे। जो चिकन है ये पहले ऐसे आते हैं बांध के और कभी कभी 20-25 भी बांध के लटका के स्कूटी वूटी में लेके आते हैं। और ये मैं पहले माफ़ी मांग लेती हूँ आप सभी से जो ये देख रहे हैं, जिनको मैं ये रूथलेस किलिंग दिखा रही हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी मांग लेती हूँ सभी से, क्योंकि यही सच है और यही ये कहानी है। और इनको ऐसे ही रूथलेसली मारा जाता है। और ये जो हम लोग बनाते हैं इसका टेस्टी टेस्टी डिशेस, इसके लिए दोषी किसे ठहराएं? जो प्रोडक्शन करके फार्म में उनको दुकान उनको मार्केट में छोड़ते हैं, या फिर जो रेसिपी देके होटल्स में बनाते हैं, या फिर जो खरीद के लेके जाते हैं, या फिर जो दबा के उनको मार रहा है चिकन को, तो दोषी किसको दें हम? और इनके बिना हमारे होटल इंडस्ट्री का क्या होगा? तो ये सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं और बहुत दुख लगते हैं कि इनके भी लाइफ है। तो इस बारे में आप सभी अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और किसी को अगर कुछ सलूशन मिलता है, ये अकेले का सलूशन का बात नहीं है, लेकिन किसी को अगर सलूशन मिलता है तो वो भी ज़रूर दें। और ये आप देख सकते हैं, देखेंगे कि उसको मारने का बाद भी उसका हार्ट जो है वो थ्रॉबिंग होता है, उसका पैर काटा गया है, उसका सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उसका इंटेस्टाइन ये सब निकाल दिया है काट के, लेकिन फिर भी उसका हार्ट थ्रॉबिंग होता है कुछ समय तक, और उसका ब्रेन जो है वो डेड नहीं होता है तुरंत। तो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ और ये चीज़ें मैं वहाँ से लेके आई। ये ड्रम स्टिक है, ये बरबट्टी और बीन्स है, ये कॉलीफ्लावर है, और ये कर्ड है, मैं चिकन में डालूँगी, कर्ड लाई हूँ। और ये मिल्क भी ले आई ऐसे कुछ चाय वाय बनाने के लिए, और बैंगन लेके आई, और चिकन तो है ही है। और चिकन को दुकान में यहाँ मतलब कैसे हम लोग ख़रीदते हैं, छोटा जगह है, यहाँ कोई फ्रोज़न चिकन या फिर कोई मतलब पैक्ड चिकन ये सब यहाँ आपको नहीं मिलने वाला है। आप तुरंत जाइए दुकान में और एकदम फ्रेश चिकन है, सामने ही काट के देता है। स्किन गंदा रहता है चिकन का, लेकिन स्किन निकाल देने का बाद वो टोटली क्लीन है, क्योंकि वो लोग कोई प्रिजर्वेटिव कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं डाले, मेरे सामने में जैसे काट के दिए मैंने दिखाया है वैसे ही वो लोग देते हैं, तो काफ़ी फ्रेश देते हैं। और मैंने सब कुछ आज दिखाया, द मेकिंग ऑफ चिकन करी जो है वो मैंने आज दिखाया, तो देखिए और एंजॉय कीजिए। और जो सीक्रेट मसाला इसके साथ है ये मैंने बनाया है, ये आप लोग जो भी मसाला डाल के चिकन बना रहे हैं आप बनाइए अपने तरीक़े से, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ में अगर आप इसको डाल देते हैं ये जो मसाला है, तो ये बहुत ज़्यादा चटपटा होता है और बहुत मिर्ची लगती है इसमें। ये मिर्ची का ही मसाला है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें हम 10-12 ठो सूखी मिर्ची को भिगो देंगे, और दालचीनी जो है, दालचीनी के पीसेस आप 5-6 ऐसे पीसेस ले लेंगे, 5-6 पीसेस अपना उंगली का साइज़ का, 5-6 तो काफ़ी ज़्यादा, वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना भी आप दालचीनी लेंगे पीसेस, उसका डबल साइज़ आप लेंगे, आपकी छोटी उंगली का साइज़ का दालचीनी, या थोड़ा कम छोटा होने से भी होगा, दालचीनी 5-6 पीस लेंगे, और उसका डबल ले लेंगे आप मिर्ची, उसको सब भिगो के रख देंगे 1 घंटा के लिए, उसके बाद उसको पीस लेंगे, तो बन जाएगा ये जो मसाला है ऐसे है। इसको आप आधा केजी चिकन में आप इसको 2 चम्मच डाल सकते हैं, बट डिपेंड करता है। और बच्चे अगर घर में हैं तो मैं एडवाइज़ करूँगी कि इस मसाले को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आँख से पानी आ जाती है और बच्चे नहीं खा पाएँ, काफ़ी मुंह जलता है, लेकिन बड़े इसको थोड़ा एंजॉय कर, आँख से पानी उनके भी आएंगे लेकिन वो एंजॉय कर सकते हैं खाते वक्त, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सिनेमन का टेस्ट और मिर्ची लगती है साथ में।
और अब जो भी मसाला नॉर्मल आप अपना देना चाहते हैं आप देखे बनाने के बाद, अब मिर्ची मत डालिए, मिर्ची का जगह आप इसको डाल दीजिए 2 चम्मच 1 चम्मच आप जैसे चाहते हैं आप इसे डालिए। तो ये हो गया सीक्रेट मसाला, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब तो बनता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू एंड बाय बाय।